लेकिन उसको झुठला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सिपाही खानदान के साथ है, भाइयों बहनों ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। और अगर सचमुच सिपाही खानदान ने विकास किया होता तो भाइयों बहनों अकेले मैनपुरी जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5.5 वर्ष के अंदर 37,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने दिया है। इज ऑफ लिविंग को हमने आसान किया है, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। 5 लाख नौजवान को नौकरी मिली, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं हुआ कि चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल जाएं। आज तो प्रदेश का नौजवान होना चाहिए, उस नौजवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उस खिलवाड़ करने वाले के लिए केवल जेल होती है, जेल और पूरी वसूली भी होती है। फिर किसी गरीब के हक पर कोई डकैती डालेगा तो सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। अगर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था, मैं शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे हैं। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। आप हम लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े थे, ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में सभाओं में कुर्सी खाली थी उन सत्ता में बैठ गए आकर के। ये जो पिछला चुनाव हुआ ये जनता हमारी आपकी सरकार बनाने के लिए वोट दे रही थी, सरकार हमारी आपकी सुन गई